पीएम मोदी के आह्वान पर बीजेपी यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने सभी मदरसों में योग की मुहिम छेड़ी, जिसका असर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मदरसों में भी दिखाई दिया। बरेली के मदरसों में भी योग दिवस पर योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहां आए लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। स्वस्थ रहने के लिए योग सबसे जरूरी है, यही वजह है कि 8 साल पहले योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली और यूएन ने योग दिवस की घोषणा की। तब से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। आज नवे योग दिवस के अवसर पर बरेली के सभी मदरसों में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां मदरसा इस्लामिया अरेबिया ईशा अतुल उलूम में भी योगाभ्यास किया गया। यहां योग टीचर इकरार अहमद ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। मैं यहां मदरसा इसातुल उलूम सरायखान बरेली, इसमें आईटीआई कॉलेज है उसी के अंदर, तो उसमें ट्रेड इलेक्ट्रीशियन में टीचर हूं मैं, पढ़ाता हूं बच्चों को यहां पर। और आज हमारे मदरसे में जो 21 जून है, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्राथमिकता के आधार पर हर संस्था के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर योगा दिवस आज के दिन सेलिब्रेट करने के लिए कहा गया है। और इससे बच्चों को इतना लाभ हो रहा है, सभी लोगों को, जो बीमारियां हैं मसल से संबंधित या नसों से संबंधित या कमर के दर्द से संबंधित, इसके लिए हमें अब पूरी आज़ादी है योगा को सेलिब्रेट करने की, योगा कराने की। तो बच्चे इसमें बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, सेहत से संबंधित जितने भी हैं। मैं बच्चों के लिए संदेश देना चाहता हूं, जो हम बच्चे यहां पर ज़्यादातर दीन की तालीम करी जा रही है, दीन की भी तालीम और दुनियावी तालीम, तो मैंने बच्चों को समझा रहा हूं, जितने भी हमारे जो बच्चे हैं योग को वैसे तो नमाज पढ़ते हैं, नमाज में भी योगा का ही रूप माना जाता है, उसमें भी वैसे ही आसन होते हैं। तो अब अलग से और इनकी एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है, तो बच्चे स्वस्थ रह रहे हैं। बच्चे आगे चल के जब बड़े हो जाएंगे तो आगे चल के इस चीज़ को हमेशा फॉलो करते रहेंगे, योगा मनाते रहेंगे। ये आसन जो हैं, बच्चों को नाम भी याद हो रहे हैं कौन सा आसन कैसा है। मैंने बताया आज भुजंग के आधार पर अगर हम आसन करेंगे तो भुजंग आसन हो जाएगा, अगर हम सर को नीचे करके और पैरों को ऊपर कर लेंगे तो वो शीर्ष आसन हो जाएगा, और अगर हम कोहनियों के बल अपने हाथों को रख के पैर पीछे ले जाएंगे तो वो मकरासन हो जाएगा, और अगर हम पैर को कूल्हे के बल एक पैर बैठा रखकर दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे तो साइड लंगेज आसन हो जाएगा। ये आसन के बारे में मैंने बच्चों को बताया, बच्चों को नाम भी याद हो गए हैं। आगे चल के मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बच्चे इसे बहुत दिलचस्पी से कर रहे हैं। यहाँ अध्यापकों ने बताया कि मदरसे में रोजाना योग कराया जाता है और आज भी बच्चे सुबह 7 बजे से योग कर रहे हैं। आज जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को जो मनाया जा रहा है, यह हमारे बच्चे सुबह 7 बजे से मदरसे में लगातार कर रहे हैं, और यहाँ पे मीडिया कर्मी भी आ रहे हैं जा रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके के आए हैं, और बच्चों का वेट लेके गए हमारे टीचर मिनी आई के इकरार अहमद अंसारी हैं, वो भी आप कई बार दे चुके हैं। और हमारे नहीं, हम ऐसे तो हमारे यहाँ रोज़ हो रहा है, मदरसे के अंदर रोज़ाना बच्चों को कराया जा रहा है, और आज जो है ख़ास तौर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी साहब और श्री आदित्यनाथ योगी साहब, जो एक उत्साह के साथ पूरे हिंदुस्तान में ये कहा गया है कि इनको उत्साह के साथ मनाया जाए, और बच्चों को हम इस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं ताकि उनकी सेहत भी रहे, तंदुरुस्त रहे, और बच्चे अपने घर में और आसपास में जो भी बच्चे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, जो अपने घर के अंदर रह कर भी वो अपना इस काम को करें, ताकि वो अपने सेहत को सही रख सके और तंदुरुस्त रहे। मदरसे के छात्रों में भी योग के प्रति रुझान देखने को मिला। यहाँ छात्रों ने बताया कि योग करने से काफी फायदे मिलते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से वैभव शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।